आइए अब हम देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी हैं। देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन टाइप्स हैं वो हमारे पास तीन हैं यहां पर, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले कि मैं इन तीनों को डिफाइन करूं और इनके बारे में आपको बताऊं, मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप रिकॉल करें अपने उस टॉपिक को जिसमें हम प्रोडक्ट, कंज्यूमर प्रोडक्ट की टाइप्स को स्टडी किया था और जिसमें हमने बिजनेस प्रोडक्ट की टाइप्स को स्टडी किया था। आपको याद है मैंने बताया था कि कन्वीनियंस गुड्स होती हैं, शॉपिंग गुड्स होती हैं, स्पेशलिटी गुड्स होती हैं। अब वहां आपको याद होगा तो हमने ये कहा था कि जो कन्वीनियंस गुड्स हैं दीज आर इंटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड, वेयर एज शॉपिंग गुड्स आर सिलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइल स्पेशलिटी गुड्स आर एक्सक्लूसिवली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको याद है ना? जी बिल्कुल आपको याद है। उन कॉन्सेप्ट्स को जहन में रखिए और उसके साथ हम रिलेट करते चलेंगे जब हम इन तीनों को तफसील में डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास पहला है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इंटेंसिव का मतलब यह है कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना कि हर पॉसिबल चैनल के जरिए से अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना, जैसे कि शैम्पू और साबुन है, जैसे कि टूथपेस्ट है, आपको हर जगह से मिल जाते हैं, जगह जगह से मिल जाते हैं, लेकिन शर्ट्स आपको हर जगह से नहीं मिलती, घड़ियां आपको हर जगह से नहीं मिलती, मोबाइल और कैमरे आपको हर जगह से नहीं मिलते, घड़ियां आपको हर जगह से नहीं मिलती। तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अंडर विच अ कंपनी सेल्स थ्रू एज मैनी आउटलेट्स एज पॉसिबल, यानी जिसमें एक कंपनी वो तमाम आउटलेट्स इस्तेमाल करती है जो उसके लिए मुमकिन होते हैं ताकि अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, और इसके लिए वो सुपरमार्केट्स को, ड्रग स्टोर्स को, गैस स्टेशंस को, हर जगह से। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टूथपेस्ट है तो बताएं कहां से नहीं मिलेगी, फार्मेसी से मिल जाएगी, कन्वीनियंस स्टोर से, किराना स्टोर से मिल जाएगी, सुपरमार्केट से मिल जाएगी, पेट्रोल पंप से, हर जगह से मिल जाएगी। असल में इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन हर उस प्रोडक्ट की जरूरत होती है जिसका यूज कॉमन, डेली और वाइड स्प्रेड होता है। इसलिए जो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो आम तौर पे कन्वीनियंस गुड्स के लिए होती है। ये आपको क्लियर हुआ? ग्रेट। इसके बाद दूसरा हमारे पास है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। अजीजा ने मान, ये एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देखिए जो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आप अगर गाड़ियों की मिसाल लें तो उनकी एक्सक्लूसिव डीलरशिप्स होती हैं, यानी ब्रांड ए है, बी है, सी है, डी है, आपको ब्रांड बी की गाड़ी ब्रांड ए के डीलर के पास नहीं मिलेगी और डी के पास ए बी सी नहीं होंगी, क्योंकि स्पेशलिटी आइटम है और स्पेशलिटी आइटम्स की एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होती है कई हवालों से। क्योंकि जो आपकी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें कस्टमर को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है और वो स्पेशल ट्रीटमेंट, रिच इंफॉर्मेशन और आफ्टर सेल सर्विसेज। इसलिए अगर आप मल्टीपल ब्रांड्स को सर्व कर रहे हो तो फिर आप कंफ्यूज कर देंगे, और आप अगर एक ब्रांड के लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो दूसरे नाराज हो जाएंगे। इसलिए जो स्पेशलिटी गुड्स होती हैं उसमें एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशंस क्रिएट की जाती हैं। और एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि आप किसी एक, यानी डिस्ट्रीब्यूटिंग इज एक्सक्लूसिव एंड ओनली सर्टन रिटेलर्स आर गिवन द ऑप्शन ऑफ कैरिंग अ प्रोडक्ट इन इट्स स्टोर। इसकी एक मिसाल मैंने डीलरशिप की दी है कि ए कंपनी के टेलीविजन आपको सी कंपनी के स्टोर्स पे नहीं मिलेंगे।
तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ सप्लायर एंड अ रिटेलर granting the retailer exclusive rights within a specific geographical area to carry the supplier's products. के खास एरिया में सिर्फ ए कंपनी के कैमरास एबीसी रिटेलर ही बेच सकते हैं और कोई नहीं. तो मैंने इसकी वजह आपको बता दी है. होप आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हुई होगी. सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ये आमतौर पे शॉपिंग गुड्स के लिए, यानी ये वो गुड्स होती हैं, शर्ट्स हैं, शूज हैं, घड़ियां हैं किसी हद तक, जो के हर रोज भी नहीं चाहिए होती हैं और वंस इन ईयर्स भी नहीं चाहिए होती हैं, बल्कि इनकी जरूरत इनके दरमियान में पड़ती है और इनको सिलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, हर स्टोर से नहीं, मगर बहुत सारे स्टोर से आपको ये चीजें मिल जाती हैं. तो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी दैट लाइज एंड ऑपरेट्स बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, से मैंने बताया. तो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स यूजिंग मोर देन वन बट लेसर देन ऑल द इंटरमीडिएट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हु कैरी द कंपनीज प्रोडक्ट्स ऑन अ बेसिस ऑफ अ कंपनी स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स. अब आप देखें कि आपको एक खास कंपनी की जो शर्ट्स हैं वो हर आउटलेट से नहीं लेकिन कुछ आउटलेट से मिलेंगी. इसी तरह अगर आप मोबाइल फोन्स की बात करें तो इनमें कहीं पर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है लेकिन सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन भी इस्तेमाल की जाती है. मुझे उम्मीद है कि आपको इंटेंसिव, एक्सक्लूसिव और सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन तीनों की समझ आई होगी. Thank you very much.